आधे राधे राधे बोलना, कल का क्या पता। राधे राधे फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम चेक कर रहे हैं यूनिवर्स के मैसेजेस, गाइडेंस आपके लिए क्या है। ऑलराइट, रीडिंग टाइमलेस जनरल एंड कलेक्टिव है। विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। जल्दी से पॉजिटिव एनर्जीज को एक्सचेंज करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे, ओम गौरी शंकराय नमः। द मास्टर, अमेजिंग। पहला ही मैसेज बहुत ही प्यारा है। जिस भी सुप्रीम पावर में आप ट्रस्ट रखते हो, जहाँ पर भी आपका विश्वास है, उसकी ब्लेसिंग, प्रोटेक्शन एंड उनका हाथ आपके सर पर हमेशा है। तो आप किसी भी सिचुएशन में अलोन नहीं हो। आप में से बहुत सारे लोग स्ट्रेस में हैं, और स्ट्रेस ये किसी और की वजह से नहीं है, आपके अपने ही क्लोज्ड वंस आपकी लाइफ में उथल पुथल और स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे आप बहुत ही परेशान हो रहे हो। डिवाइन आपको कह रही है आप स्ट्रेस में मत रहो, ठीक है, और आसपास के लोगों से अवेयर रहो। हो सकता है जिन पर आपको बहुत ट्रस्ट है वही आपको दुख पहुंचाएं, लेकिन आपको अवेयर रहना है। बाद में स्ट्रेस में नहीं आना, अभी स्ट्रेस में नहीं रहना। रहना है तो अवेयर रहना है, ठीक है फ्रेंड्स। ट्रांसफॉर्मेशन, आप में से बहुत सारे लोग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। लाइफ में ऐसा लगता है कुछ अच्छा नहीं चल रहा, ना मन ठीक है ना ही दिमाग ठीक है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ही खत्म हो चुकी है। लेकिन कहते हैं जिस तरह से हर रात के बाद नया सवेरा आता है, हर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद नई एनर्जी, नया करेज, नया साहस, नई एंथुसियाज्म और नया कॉन्फिडेंस आता है। तो डेफिनेटली आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने को है, एंड उसके बाद आप अपने अंदर एक नई हिम्मत देखेंगे और उसी हिम्मत के साथ अपनी लाइफ में ऐसा क्रिएट करेंगे जो कि कभी ना तो आपने सोचा था, ना ही आपके आसपास के लोगों ने, जिन्होंने आपको नीचा दिखाने में, बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फ्रेंड्स, यहाँ पर 7, 16, 25, 8, 17, 26, 4, 22, 13, 31 नंबर्स और डेट्स काफी इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट है। एरीज, लियो, सैज, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। पास्ट लाइव्स, ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ना पुरानी यादों में काफी ज्यादा खोए हुए हैं। मन ही नहीं करता आपका कि लाइफ आगे बढ़े। आपको लगता है या तो वो पुराने दिन दोबारा से आ जाएं, या आप उन्हीं के बारे में सोच सोच कर अपने प्रेजेंट को भी खराब कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा और फाइनली लौट कर आप तक आएगा। बट अगर आप उस पर ही स्टक हो जाओगे, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे, तो वो भी उसी मोड पर स्टक रहेगा और आपकी लाइफ में वापस नहीं आ पाएगा। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, तरक्की हासिल करो, शाइन करो, और डेफिनेटली वो अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आएगा, क्योंकि वो आपका है। और अगर आपसे वो अलग हुआ है तो किसी रीजन से हुआ है, ताकि आप प्रोग्रेस कर सको, इम्प्रूव कर सको, खुद की लाइफ में खुद को सेटल डाउन कर सको। क्योंकि कोई टाइम था जब आपने उस पर्सन के लिए अपना सब कुछ सरेंडर कर दिया था, और अब यूनिवर्स कह रहा है वो टाइम है कि जब आपको खुद के लिए जीना है और बहुत कुछ करना है, ठीक है। तो इस स्पिरिट के साथ आप आगे बढ़ो। आप में से कई लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और इस जर्नी में बहुत जल्दी आपके पास कम्युनिकेशन और कन्फेशन आपके पार्टनर्स का आ रहा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें एंड इस एनर्जी को क्लेम करें। रिसेप्टिविटी की एनर्जी है। यूनिवर्स कह रही है जो चल रहा है उसे एक्सेप्ट करो। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि जीवन में सब अच्छा हो रहा है, बट आपको अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो वो इस वजह से क्योंकि वो आपके अनुसार नहीं हो रहा, और अगर आपके अनुसार नहीं हो रहा तो वो डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। तो उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि जो डिवाइन की मर्जी से होता है ना वो अच्छा नहीं होता, वो बेस्ट होता है। सक्सेस की एनर्जी है, लाइफ में आगे अबंडेंस, सक्सेस और विक्ट्री आ रही है, ग्रोथ आ रही है, लोगों का एप्रिसिएशन एंड सपोर्ट आ रही है। कहते हैं चढ़ते सूरज को सलाम, तो वो सक्सेस आ रही है जिसमें दुनिया आपको सलाम ठोकेगी। वो वाइब्रेशंस क्लियरली हैं। 6, 15, 24, 2, 11, 29, 20 नंबर्स और डेट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड प्रोमिनेंट है। आप बहुत ही प्यारे सोलमेट के साथ मिलने वाले हो, टाइम स्पेंड करने वाले हो उनके साथ। अगर वो पुराने हैं, मतलब पहले मिल चुके हैं, तो पुरानी यादें ताज़ा होंगी एंड बहुत ही आप हैप्पी और ब्लेस्ड फील करोगे। और वहीं कुछ लोगों की लाइफ में कुछ न्यू सोलमेट्स आ रहे हैं जिसके साथ आप इतना ब्लेस्ड और रिलैक्स्ड फील करोगे कि आसपास कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन दिखेगी ही नहीं। तो यहाँ पे एनर्जी है हैप्पीनेस की, हार्मनी की, स्ट्रेस को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की, ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर निकलकर लाइफ में स्ट्रेंथ के साथ सब कुछ अचीव करने की एंड अपनी लाइफ का कंट्रोल। कहते हैं ना, गाड़ी ड्राइव करते हुए स्टीयरिंग आपके अपने हाथों में होने चाहिए, फोकस आपका खुद का होना चाहिए। वैसे ही जिंदगी की गाड़ी है। जब तक आप औरों की सुनते रहोगे, औरों को फॉलो करते रहोगे, औरों से ट्रिगर होते रहोगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते ही नहीं रहोगे। बार बार ड्रॉबैक्स, ट्रिगर, गिरना, परेशान होना रहेगा। तो यूनिवर्स कह रहा है अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खुद के हाथों में रखो। क्या करना है, क्या चाहते हो, क्या नहीं करना, ये सब आपकी अपनी मर्जी से होना चाहिए। दूसरों को कंट्रोल देना बंद कर दो। ऑलराइट, तो ये थी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर से करें। इस तरह की रीडिंग आप लोग पर्सनली भी बुक करा सकते हैं एंड इसके चार्जेस हैं 1111, जिसमें यूनिवर्स के सारे दिव्य संदेश आपको वीडियो रिकॉर्डेड के ड्यूरिंग भेजे जाएंगे। ठीक है। एंड मैं स्ट्रांगली यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप में से जिन भी लोगों को ये नीड है, ईजिली मुझे व्हाट्सएप करके इस रीडिंग को बुक करवा सकते हैं एंड मैं कोशिश करूँगी विद इन अ डे आपको रिकॉर्डेड वीडियो सेंड करने की। ऑलराइट, अभी के लिए इतने फ्रेंड्स। मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।